नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा, हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला अधिकारियों ने किया निरीक्षण, देखें ये रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर नैनीताल को जाने वाली 30 से अधिक सीटर बसों को कालाडूंगी में रोके जाने से बसों के खड़े ना होने की व्यवस्था तथा जहां तहां खड़ी हो जा रही इन बसों से उत्पन्न हो रही यातायात व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कालाडूंगी में इन बसों को खड़े करने के लिए पार्किंग की जगह तलाशने के लिए प्रशासन तथा परिवहन विभाग को आदेशित किया है, जिसके मद्देनजर डीएम दीपेंद्र कुमार चौधरी, एसएसपी जनमेजय खंडूरी सहित वन विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रामनगर वन प्रभाग कालाडूंगी रेंज में दो जगहों का निरीक्षण किया। ऐसे पॉइंट है जहाँ से ऊपर की तरफ यात्री वगैरह जाते हैं, वो सुटेबल स्थान भी है, यहाँ पर बड़ी बात है कि बसों की गाड़ी भविष्य की आवश्यकता भी है, तो उसी के क्रम में मैं एसएसपी एआरडीओ राजस्व और चूंकि अधिकतर पूरा वन क्षेत्र है वहाँ के डीएफओ एसडीओ पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। अभी हमने दो पोस्ट देखे हैं जो निहाल ब्लॉक निहाल कराई बाबर 2C और 2D कंपार्टमेंट में दो दो हेक्टर के हमने पैचेस देखे हैं, तो दोनों को हम लोग सोच रहे हैं कि दोनों उपयुक्त हैं, लेकिन जो 2C वाला जो पोर्शन है वो कालाडूंगी पूरे शहर को क्रॉस करते हैं तब पार्किंग का निर्माण होगा, तो भविष्य में ट्रैफिक वगैरह आदि समस्याएं हो सकती हैं, ये स्थान ज्यादा बेहतर है। एक ही गांव के 600 घरों में नहीं मनी दिवाली, देखें ये रिपोर्ट। बनेरा बीरबल के राम नरेश गंगा प्रसाद, अवधराम काशीराम, गिरिचंद्र सुरेश चंद्र, कल्लूराम रामसागर मिश्री, मेवाल लाल शिवंत, राजाराम बालक, रविकांत आदि गांव वालों ने बताया कि दीपावली की शाम परंपरागत ढंग से निकाली जाने वाली अलह बलाई के पड़ने वाले स्थान पर गांव के कुछ मुस्लिम परिवारों ने कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों द्वारा उस स्थानों पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की गई थी, जिस पर 18 अक्टूबर को गांव में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस के ग्रामीणों के साथ मारपीट की, भारी दहशत बना दी, जिसे अहम भूमिका कोतवाल रंजना सचा ने बड़ी गंदी गाली दी और ग्रामीणों को पीटा भी। पुलिस प्रशासन के भय से दीपावली के दिन गुरुवार को बनेरा बीरबल के लोगों ने घरों से निकाले जाने वाली अलह बलह नहीं निकाल सके। अलह बलह ना निकालने पर निराश ग्रामीणों ने घरों पर दीपक भी नहीं जलाए। ग्रामीणों ने कहा कि हिंदू धर्म में हितेशी मणि जाने वाली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में ना तो अलह बलह निकाली जा सकी ना ही दीपक जलाए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र भेजकर इस मामले का न्यायिक जांच कराकर कार्रवाई की जाने की मांग की है। अवधराम कौन सा गाँव? बनेरा बीरबल। तहसील कौन सी? महमूदाबाद। दीपावली वाले दिन क्या घटना हुई थी यहाँ पे, क्यों लोगों ने अलैया बलैया और दिया नहीं जलाया अपने? जो हमारे कोतवाल रंजना सचान ने हैं उन्होंने आके कहा कि कोई अलैया बलैया नहीं जला सकता है। किस लिए? कि वहाँ पर मुस्लिम की बस्ती है, वहाँ नहीं जलाई जा सकती। और इससे पहले कहाँ जलाते थे आप लोग? वहीं पे जलाते थे जहाँ स्थल था। इस बार नहीं जलाने दिया? इस बार नहीं जलाने दिया। क्या नाम है आपका? राम लखन। कौन सा गाँव है? बनेरा बीर। तहसील कौन सी लगती? महमूदाबाद। क्या हुआ था दीपावली वाले दिन? दीपावली दिन का जलाव है नहीं, कोतवाल साहब। तो क्या आपने अलैया बलैया नहीं जलाई वहाँ? नहीं जलाई, बनाई रखी रही घर पर। और क्या हुआ था? और का डर मारे गई नहीं क्या कोई? नानकमता पुलिस ने अवैध खनन पर मारा छापा, देखें ये रिपोर्ट। सितारगंज तहसील के नानकमता थाने में काफी दिनों से मिट्टी खनन जोरों शोरों से चल रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर उपजिलाधिकारी नानकमता थाने में पुलिस के आदेश दे कि मिट्टी खनन पर छापा मार। मौके पर मिट्टी खनन माफिया को हड़कंप मच गया, डंपर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर दो डंपर पकड़ ली और थाने में ले आए। पुलिस का कहना है कि इसकी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को सौंप देंगे, उपजिलाधिकारी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। कि जो है अवैध खनन हो रहा है, तो इस सूचना पर हमें दल बल के साथ सभी प्रेम जमा किया, तो दो डंपर हमें जो मौके पर ही मिले और तो उनको थाना में खड़े कर दिए। इसमें एजीएम साहब का जो भी आदेश होगा उस पर, कि अगर उन पर अगर परमिशन है तो उनमें छोड़ दिया जाएगा, नहीं होगी तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर गोलरपुज लिंक मार्ग ना बनने पर गुस्साए ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, देखेंगे रिपोर्ट।
भरतपुर गोलर भोज लिंक मार्ग ना बनने से गुस्साए ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से ये रोड जर्जर हालत में है, जिससे आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, धूल के गुब्बारे उड़ते हैं, जिससे ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। इस रोड का काम चालू तो हुआ, लेकिन इतनी धीमी गति से रोड बनते बनते लगभग 1 से 1.5 साल का समय हो गया, लेकिन अब तक रोडों में सिर्फ पत्थर ही डलवाया गया, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन बाहर निकले से पहले पत्थर सड़क के निकल जाते हैं और लोगों को लग जाते हैं, जिससे लोग घायल हो जा रहे हैं और रोड पर चलना भी दूभर हो गया है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अपने माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से आगे संदेश पहुंचा सकें, क्योंकि हम निरंतर गुलर भोज जगतपुर रोड के लिए संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन कितना करने पे भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। निरंतर पत्थर बजरी उड़ के बच्चों को लग रहे हैं, राहगीर जो लोग जा रहे हैं उनको लग रहे हैं, कई लोग चोटिल हो चुके हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा, और हम निरंतर संघर्ष करने के बाद भी बहुत ही धीमी गति से कार्य चल रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि इस कार्य में जल्दी जल्दी तीव्रता आए, जिससे कि लोग जनहित में अच्छा होता है। पुलिस अब कम्युनिटी पुलिस से करेगी क्राइम कंट्रोल, देखें ये रिपोर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के आला अफसरों के पैदल गश्त की कवायद के बाद डीजीपी के आदेश पर संबल कम्युनिटी पुलिस गठन की कवायद शुरू हो गई है। जनपद के एसएसपी पंकज पांडे ने बताया कि डीजीपी के आदेश के अनुसार जनपद के सभी थानों में हर बीट में 10 गनमैन नागरिक और 10 डिजिटल वॉलंटियर चुने जाएंगे, जिन्हें S10 और D10 के नाम से दिया जाएगा। इनके पते के साथ मोबाइल नंबर भी थाने के रिकॉर्ड में रहेंगे। कम्युनिटी पुलिस ने S10 की कैटेगरी को साफ सुथरी छवि वाले रिटायर्ड टीचर, बैंक अधिकारी, व्यापारी का जोड़ा जाएगा और D10 में तेज युवाओं को जोड़ा जाएगा। पुरानी चीज रही है जिसको पुलिस पहले भी करती रही है, और ये बहुत ही कारगर चीज है। अपराध नियंत्रण के लिए जनता का सहयोग लिया जाना ही कम्युनिटी पुलिसिंग है। जैसा कि आप सभी लोग वाकिफ हैं कि जितनी जनसंख्या और हमारी जो पुलिस की जनशक्ति इतनी पर्याप्त नहीं है कि हर जगह पहुँच सकें, और इसमें किसी भी अपराध में अगर जब जनसहयोग प्राप्त हो जाता है तो वो चीज़ें कंट्रोल करना और चीज़ों का अनावरण बहुत आसान हो जाता है। इसी सिद्धांत पर ये कम्युनिटी पुलिसिंग बनी है, जिसमें जनता के लोगों को पुलिस में बनाया जाएगा और उनका सहयोग लेकर अपराध नियंत्रण और अन्य शारीरिक अपराध और अन्य तरह के विवादों में भी पुलिस जो है उनके सहयोग से उनका सबका निदान करेगी अपराध नियंत्रण। संबल के मोटर मैकेनिक की बेटी बनी जज, देखें ये रिपोर्ट। संबल के महमूद खान मोहल्ले सराय के मोबिन खान मोटर मैकेनिक हैं। मामूली पढ़े लिखे मोबिन का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर उच्च अधिकारी बने। मोटर मैकेनिक मोबिन खान ने शुरुआत से ही कड़ी मेहनत कर अपनी बेटी नगमा को अच्छी शिक्षा हासिल कराने के लिए कदम बढ़ाए। बेटी को अच्छी तालीम दिलाने के लिए उनके अजीज दोस्तों ने भी उनका साथ दिया। मोबिन खान की बेटी ने अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। नगमा और उसके पिता की मेहनत रंग लाई। नगमा ने सबसे पहले हाईस्कूल की परीक्षा में 94.4 मार्क्स लेकर जिले में टॉप किया। हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए होनार नगमा ने जापान, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान में हुए सेमिनार में भागीदारी कर अपनी प्रतिभा की धाक जमाई। नगमा ने लॉ करने के बाद पीएसजी के प्रदेश न्यायिक सेवक सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा दी, जिसमें नगमा ने 218 पदों में से 29वीं रैंक हासिल की। अब नगमा पीएसजी क्वालिफाई करने के बाद देश के लोकतंत्र के सबसे मजबूत सम न्यायिक सेवा में जज बन गई हैं। नगमा के जज बनने से जिला के लोगों, उनके पिता मोमिन खान और उनकी बेटी पर नाज कर रहे हैं। देखिए, पापा कभी भी स्कूल गए नहीं थे, मम्मी इन्हें थोड़ी बहुत स्कूलिंग की, लेकिन उन लोगों के अंदर हमेशा से एक ये था कि मुझे अपने बच्चों को कामयाब करना है। भले ही हम नहीं पढ़ पाए, सर्कमस्टांसेस अलग थे, सबके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते। उस टाइम दादा लोगों के इतने अच्छे हालात नहीं थे कि पापा को अफोर्ड कर सकें भेजना पढ़ाई के लिए, तो बहुत ही छोटी उम्र से पापा ने एक हुनर सीखा, लेकिन उस हुनर ने उन्हें आज एक कामयाबी पे पहुँचाया कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन उसमें पापा ने किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई कभी भी कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, कि तुम इंजीनियर बनो, तुम ये बनो, ये मत बनो, तुम जुडिशरी क्यों कर रही हो, सिविल सर्विसेज करो, इसमें तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। पापा ने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मम्मी ने पापा को दिया हमेशा। कभी थोड़ी बहुत डगमगाए होंगे अगर, तो मम्मी ने हमेशा साथ दिया कि नहीं, बच्ची को करने दो जो उसका दिल है, अगर उसका मन है बाहर जाने का तो उसे जाने दो, कुछ अच्छा ही कर रही होगी। और पापा ने कभी भी मेरे से कभी सवाल पूछा ही नहीं कि बेटे तुम अगर इस कॉन्फ्रेंस में जा रही हो तो तुम्हारा कोई फ़ायदा है इससे, तुम्हें लॉ ही तो करना है, जुडिशरी ही तो करनी है, तो फिर कॉन्फ्रेंस क्या करना है, जाके अपना लॉ करो, जुडिशरी निकालो और आराम से अपना एंजॉय करना अपनी लाइफ को। तो मेरे अंदर हमेशा से था कि मुझे कुछ करते रहना है। मेरे साथ ये नहीं था कि मुझे एक डिग्री हासिल करनी है, 5 साल अपनी पढ़ाई कर लेंगे, लॉ कर लेंगे, फिर एग्ज़ाम निकाल लेंगे। मेरा था मुझे कुछ करते रहना है, भले ही मैं जुडिशियल ऑफिसर बनूं, लेकिन एक एक्सपोजर और जिसे कहते हैं कि एक माहौल
और एक सोच और एक पर्सनालिटी आपकी तभी बूस्टअप हो सकती है जब आप 10 तरीके के लोगों से मिलें, उन्हें जानें, समझें, उनकी अच्छी बातें अपनाएं, बुरी बातें ना अपनाएं, तो यही चीज़ें जो है आपको सफलता की ओर लेकर जाती हैं। खनन माफिया कर रहे हैं बेखौफ खनन प्रशासन हेमून, देखें ये रिपोर्ट। सीतापुर में खनन माफियों के हौसले बुलंद, जहां हाईकोर्ट के नियमों का ताक पर खनन माफिया खनन करते आ रहे हैं, वहीं इस बात की जानकारी एसडीएम सीतापुर से की गई है तो उनका साफ कहना है कि सीतापुर में 6 पाटे किए गए थे जिनमें से 2 निरस्त किए गए हैं। लहरपुर की मंडी खेड़ा और गौडसा जिस जमीन पर अवैध खनन हो रहा है उसका पटा निरस्त हो चुका है। इसकी सूचना मिलते ही हम जाँच कर कार्रवाई करेंगे, वह इसकी जानकारी एसडीएम लहरपुर से की गई तो उनका साफ कहना है कि पटा नहीं है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन को मिली भगत से खनन हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सभी को सूचना दे दी गई है कि मौके पर कोई नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि मेरा बाढ़ का इलाका, जानवर व बच्चे भी आते हैं, किस समय क्या अनहोनी हो सकती है। केवल 14 डिसमिल है और जिसको आज 4 दिन से चल रहा है, सर उस पर क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये 31 सितंबर तक सभी जो हमारे पट्टे हुए थे खनन के उन पर खनन कार्य बंद था जी। जनपद सीतापुर में 6 पट्टे स्वीकृत हुए थे जिनमें से 2 हमने निरस्त कर दिए थे जी। 4 पट्टे अभी भी वैध हैं जी, जिन्होंने 1 अक्टूबर से खनन का कार्य किया जाना था जी। जो आप स्पेसिफिक बता रहे हैं कि लहरपुर में मूढ़ीपुर मूढ़ी बकापुर गाँव में, तो आप ये शिकायत मेरे संज्ञान में लाइए, हम इसकी जाँच कराते हैं। अगर अवैध खनन होता हुआ पाया जाए तो जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई होगी वो करें। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। देखते रहे हिंदुस्तान न्यूज 24, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।